अभी चल रहा है लॉकडाउन पीरियड, और आजकल के स्कूल में से बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज आ रही है जो हम बच्चों को पूरा दिन करवाते रहते हैं। तो इस एक्टिविटी के साथ साथ हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। हाँ, ऑब्वियस है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो वो लोग भी उसमें डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे व्हाट एक्टिविटी वी कैन डू, तो हम कर सकते हैं उस टाइम पे ये फेस योगा। किस तरह से करना है, सबसे पहले आपके जो ये कॉलर बोन्स है इसको आपको चार फिंगर से नीचे प्रेस करना है। उसको प्रेस करके ऊपर की ओर देखना है, और ऊपर की ओर देख के आपको ऐसे पाउट करना है लाइक दिस। ओके, सो इनहेल, एक्सटेंड योर नेक एंड देन डू पाउट, एंड इस तरह से आप 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, और इसके दिन में 3-5 रिपीटेशंस कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है फिश एक्सरसाइज, जिसमें आपको फिश बनानी है लाइक दिस। फिश बनानी है, सेम कॉलर बोन को आप अपनी फोर फिंगर से नीचे प्रेस करो, इनहेल लुक अप एंड रिलैक्स। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें आपको करना है माउथ ओपन एंड शट, सेम मूवमेंट, यू हैव टू लुक अप, प्रेस योर कॉलर बोन्स डाउन, इनहेल लुक अप, इनहेल एंड ओपन, एक्सहेल एंड क्लोज। तो ये आप कर सकते हो 10 रिपीटेशंस। ये सारे योगा पोजेस या एक्सरसाइज करने से आपकी जो जॉ लाइन है वो क्लियर दिखती है, आपका जो यहाँ का जो डबल चिन जिसको हम बोलते हैं वो वाला फैट आपका कम होता है। साथ साथ में करेंगे फेस पे ग्लो के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते। तो ग्लो के लिए हमको सबसे पहले करना है, इस तरह से आपको मुंह में हवा भरनी है और हवा भर के उसको लेफ्ट से राइट घुमाना है लाइक दिस। एक आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड जो आपको करनी है वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक डीप ब्रीदिंग करना है, गहरी सांस लेके इस तरह से आपको अपना जो अंगूठा है ना उसे नाक को दबा देना है, नाक को दबा के आपकी जो लिट आपकी जो लास्ट वाली उंगली उसके साथ चेस्ट पे रखना है और चिन लॉक कर देना है राइट, और फिर उसी हवा को अंदर भर के रखना है। सो ब्रीदिंग, तो ये आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, दिस वॉज फेस योगा, जो आप अपने फेस पे ग्लो एंड फेस की फैट कम करने के लिए कर सकते हो। एंड याद रखना, जो हम करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे, बच्चे भी फ्यूचर में यही सीखेंगे। सो घर में रहिए, सेफ रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए। बाय बाय।